दोस्तों, कल रात से इस देश में इस बात को लेकर चर्चा हो चली है कि संघीय ढांचा चरमरा तो नहीं रहा है। इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या केंद्र और राज्य का टकराव इस स्तर पर आ गया है जहां पर संवैधानिक संस्थाएं ही लगता ऐसा है कि राजनीति के हाथे या सत्ता के हाथों कठपुतली बन चुकी है। डेमोक्रेसी है या नहीं है, गणतांत्रिक देश को लेकर बहस चल रही है, लोकतंत्र को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सियासी बिसात को बिछा भी रहे हैं। सच यह भी है, लेकिन हमें लगता है कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर समझनी चाहिए। लगातार पिछले 24 घंटों से जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है, सीबीआई का दांव सरकार ने यानी केंद्र की सत्ता ने अपने तौर पर चला। उसे इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि जब वो सीबीआई का दांव चलेगी तो आने वाले वक्त में वह अपनी सत्ता के लिए यह दांव चल रही है, यह बात खुले तौर पर साफ होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी अंदेशा नहीं था कि ममता बनर्जी अपनी सत्ता को ही दांव पर लगा देगी और इस बात की चेतावनी देते हुए सड़क पर आकर बैठ जाएगी कि अगर आप सीबीआई के जरिए खेल खेल सकते हैं तो हम उस फेडरल स्ट्रक्चर को सड़क पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, जहां पर इस बात को लेकर इस देश में चर्चा शुरू हो जाए कि आखिर केंद्र और राज्य के अधिकार होते क्या हैं और क्यों आपस में अगर टकराव होगा तो फिर उसका अंत क्या होगा या शुरुआत कहां से होगी। देश के लिए मुश्किल सबब आप माने ना माने, लेकिन देश के लिए तमाम मुश्किल हालात इस कारपेट के नीचे दब गए हैं। सीबीआई तोता है, इस बात का जिक्र मनमोहन सिंह के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सीबीआई कितनी दागदार है यह खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब बहस शुरू हुई डायरेक्टर्स को लेकर, और डायरेक्टर्स नहीं स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर वर्मा और अस्थाना ने एक दूसरे के ऊपर जब आरोप लगाए तो यह और खुलकर सामने आ गया। इसका तीसरा चेहरा इस रूप में भी सामने आया कि बाकायदा सीबीआई डायरेक्टर की नई की नियुक्ति होती है, उस पर भी दो एक से झगड़ा शुरू हो जाता है। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं नहीं साहब सहमति नहीं। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के संस्थान राजनीतिक दायरे में सत्ता के हाथों कैसे खेलते हैं या खेलने चाहिए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम इस देश के भीतर बना दिया गया है। ममता बनर्जी के साथ तमाम विपक्षी राजनीतिक दल आकर साथ में खड़े हो गए। मतलब क्या है या मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है, केंद्र सरकार तानाशाह है, नरेंद्र मोदी मनमर्जी कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। सब एक साथ एकजुट आकर खड़े हो गए। नारदा सारदा घोटाला हुआ था, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यापम का घोटाला भी हुआ था, इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता है। नारदा सारदा की दर्ज जो हुई थी रिपोर्ट वो आज की नहीं है, लेकिन 4.5 बरस आपने खामोशी को बरती, यह भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि आपने ललित मोदी माल्या चौकसी क्या किया इन सारी चीजों को लेकर, इतने एनपीए को लेकर जो आंकड़े देश के भीतर बढ़ते चले जा रहे हैं, देश को राजस्व का चूना लगते चला गया, जनता का पैसा रईसों ने जिस रूप में लूटा है और उस पर सहमति राजनेताओं की रही है, उस पर आपने क्या किया? यानी पलड़ा किसका भारी है, कौन ज्यादा करप्ट है, कौन ज्यादा सियासी चालें चल सकता है, इस दिशा में जा रही है चीजें। लेकिन मुश्किल ये नहीं है, सामान्य तौर पर अगर 2019 के चुनाव के काउंटडाउन के तहत इसको देखेंगे तो जाहिर है साख पर और कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी है। उनकी साख 2014 में जिस रूप में थी, जनता ने उन्हें राजा माना था, लेकिन राजा के तौर पर काम करते करते कोई शख्स अगर 2019 में जब चुनाव आ रहे हैं तब भी खुद को राजा मानकर काम कर रहा है तो मुश्किल तो होगी। ममता बनर्जी हो या जितने छत्रप नेताओं हो इस देश के भीतर में, किसने गड़बड़ घोटाले नहीं किए होंगे यह भी आपके जहन में कोई आंकड़े दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल बार बार यही होता है कि इस देश के भीतर अमेरिकन सिस्टम नहीं है जहां पर स्टेट अपने आप को सेंटर से अलग कर ले, यहां पर एक संघीय ढांचा है और उस ढांचे के तहत एक सिस्टम काम कर रहा है, उस काम करते हुए सिस्टम को डिस्टर्ब करने की जिम्मेदारी या संभालने की जिम्मेदारी केंद्र की ज्यादा होती है, राज्यों की कम होती है। जिस वक्त पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आंध्र के मुख्यमंत्री ने कहा, हम सीबीआई को अपने यहां कोई मान्यता नहीं देंगे, यहां से भगा रहे हैं सबको, केंद्र ने क्यों हस्तक्षेप नहीं कहा और एक ऐसी स्थिति लाने का प्रयास क्यों नहीं किया जहां पर यह मैसेज जाए कि हां केंद्र पहल करता है, कि हां ऐसा नहीं आप विरोध करते हैं ठीक है राजनीतिक तौर पर, लेकिन इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को तो बरकरार रखिए। कोई पहल नहीं हुई। तो क्या अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है या अपने अनुकूल सरकार नहीं है
वहां पर एग्रीवेट किया जा रहा है, जो आरोप विपक्ष अब लगा रहा है कि अगर उनकी सरकार नहीं है तो आप हमें डिस्टर्ब करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हम केंद्रीय एजेंसी भेज रहे हैं इसलिए क्योंकि आप करप्ट हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में करप्शन मायने नहीं रखेगा, भ्रष्टाचार बेमानी हो जाएगा, आपराधिक गतिविधियां कोई नकेल कसने की स्थिति में नहीं रहेगा क्योंकि सिस्टम आपने चरमरा दिया है। तो इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? क्या यह मान लिया जाए कि 2019 की तरफ बढ़ते हुए कदम, जो 2019 के चुनाव की तरफ बढ़ते हुए कदम है, वो एक ऐसी हिंसा की दिशा में ले जा रहे हैं जहां देश में अराजकता चरम पर होगी, ये मान लिया जाए? या ये मान लिया जाए कि एक ऐसी परिस्थिति देश में पैदा की जा रही है जहां पर जो सत्ता में होगा उस दिशा में देखने के लिए जनता बेचैन हो जाएगी, जिस तरीके से इस देश का किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, युवा, बेरोजगार, हर कोई सत्ता की तरफ देखता है कि कुछ रोजगार मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, और सत्ता कहती है ठीक है आपको कुछ पैसा हम दिए दे रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में देश का हर वोटर आके खड़ा हो जाएगा जो केंद्र की तरफ देखेगा और कहेगा जनाब पुलिस को काम तो होने दीजिए, करने दीजिए, सीबीआई पुलिस में टकराव तो ना होने दीजिए, सीआईएसएफ आपने वहां पर भेज दिया, सीआरपीएफ भेज दिया, यानी एक तरफ स्टेट पुलिस है दूसरी तरफ केंद्र के तहत आने वाली अलग अलग सुरक्षा कर्मियों की तादाद है, तो क्या टकराव इस दिशा में आ जाएगा? हो सकता है सत्ता के लिए ऐसी स्थिति आने की जरूरत पड़ जाए इस देश के भीतर, लेकिन फिर भी क्या लोकतंत्र मान लिया जाए? हम इन सवालों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि याद कीजिए 2014 में क्या कहा गया था, जल लोकपाल को लेकर अन्ना आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था 2011 में, और उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का भी कैडर लग गया था, आरएसएस का कैडर खास तौर पे जो बहुत सफल हुआ, और उसने कांग्रेस सरकार की चूल्हे भी हिलाने शुरू कर दी और संसद के भीतर पहली बार सहमति के साथ हुआ था कि अरे भाई अन्ना बैठे हैं अनशन पर, इनको किसी तरह हटाया जाए, रोका जाए, तो इसके लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। उस समय जो अन्ना के पीछे लोग खड़े थे वो जब सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया? आपको जान के हैरत होगी कि लोकपाल का मतलब यह है कि जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति है उनके करप्शन को सुनवाई करे, इंगित करे, बताए, रोके, लेकिन आपने लोकपाल नहीं बैठाया 4.5 बरस में भी, और अब इसी अगले हफ्ते बैठक होने वाली है जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कौन होना चाहिए लोकपाल इसके लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। यानी एक सफर देखिए, हम करप्ट हैं, हमारे ऊपर कोई निगरानी रखे इसकी कोई व्यवस्था सरकार नहीं करती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, तो जब सत्ता में नहीं थे तब हम खुल के अन्ना आंदोलन के पीछे खड़े थे। आज अन्ना छठे दिन अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं बैठे हुए हैं, वो अहमदनगर में बैठे हुए हैं, 1500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, तो किसी को कोई फिक्र नहीं तबीयत बिगड़ रही है बिगड़ जाए, उनके भरोसे दिल्ली में एक नए तरीके की सत्ता आ गई जो सत्ता के दायरे में ही मशगूल हो गई, यह भी एक सच है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। यानी इतनी बड़ी तादाद में देश है लेकिन हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अकेला खड़ा है, ये एक मुसीबत है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जनलोकपाल के नजरिए से जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नकेल कसेगा कौन, और जब ये पूरा युद्ध चल रहा है 2019 के इलेक्शन में 100-150 दिन भी नहीं बचे हैं, उस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति बनती है, पता चलता है जो सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा, अगर ये बात पता चलती है कि पुलिस कमिश्नर जो थे बंगाल के, कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर है जिनके घर में पहुंचे थे बिना वारंट लिए, ये भी अजीबोगरीब स्थिति है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप उनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं, सीबीआई फिर भी पूछताछ करती है, सीबीआई बिना वारंट के पहुंच जाती है, दूसरी स्थिति पुलिस कमिश्नर के घर पे मुख्यमंत्री पहुंच जाती है, तीसरी स्थिति मुख्यमंत्री बैठती है सत्याग्रह करने तो पुलिस कमिश्नर भी साथ में बैठ जाते हैं। ये सारा घालमेल को समझने की स्थिति में लाइए कि क्या इस देश को हर तरफ से एक ऐसी परिस्थिति में ढकेला जा रहा है जहां पर कौन सत्ता में आएगा, यानी सत्ता के लिए कौन दांव चलता है और अपनी सत्ता को दांव पे लगा के कौन सत्ता फिर से पाना चाहता है, एक ऐसी स्थिति बना दी गई है, और हर बड़े मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं या भेजे जा रहे हैं। जो सिलेक्शन कमेटी हम आपको बोल रहे हैं कि जो बैठने वाली है, उस प्रक्रिया को लेकर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग तारीखें हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी की बैठक थी वो कोई आज पहली बार नहीं होने वाली, अगले हफ्ते 3 फरवरी 2014 को पहली बार हुई, 21 फरवरी 2014 को दूसरी बार हुई, 18 में भी 1 मार्च को हुई, 18 में भी 10 अप्रैल को हुई, 19 जुलाई को भी हुई, और फिर अब फरवरी के महीने में होने जा रही। तो ये एक सिलेक्शन कमेटी का एक हिस्सा है जहां पर हां सिलेक्शन कमेटी बैठती रहे होती रहे। अब ये सवाल है दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट
पहली बार नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर 2016 को कहा, देरी क्यों हो रही है लोकपाल की नियुक्ति में। 7 दिसंबर 2016 को फिर कहा, अब तक क्या हुआ। 27 अप्रैल 2017 को फिर कहा, अटका क्यों रहे हैं जनाब। 17 अप्रैल 2018 को कहा जल्द से जल्द लोकपाल नियुक्त हो। 2 जुलाई 2018 को कहा 10 दिन में बताइए कब बनेगा लोकपाल। और पिछले हफ्ते 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा सिलेक्शन कमेटी बैठे और 10 दिन के भीतर बताए कि क्या होने वाला है, कौन होगा लोकपाल। तो कहा गया ठीक है मीटिंग करेंगे। ये देश ऐसे चल रहा है जहां पे सत्ता पलट गई जिस नाम को लेकर, उस नाम को लेकर आज तक पलटने के बाद आई सत्ता उससे ज्यादा कहीं नए नायाब क्रूर त्रासदी वाले कोई शब्द जोड़ दीजिए इस स्थिति में लाकर खड़ा कर रही है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि एक चीज समझनी होगी कि सत्ता जिस दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र का राग गाती है या हिंदुस्तान की चुनावी संसदीय राजनीति बार बार जनता को उस तरफ धकेल देती है कि हमारे बदले उसे चुन लो या उसके बदले हमें चुन लो, हम दोनों में तुलना कर लो, दोनों में कौन ठीक है, जो ठीक लगे उसे चुन लो, और इसी दिशा में बरगलाते चली जाती है। और इस स्थिति की मतलब यह होता है कि वो तमाम चीजें धीरे धीरे खारिज हो जाती है जो इस देश की जरूरत है। देश की जरूरत क्या है इस बात का जिक्र हम बार बार करते हैं। कम से कम एजुकेशन को तो ले लीजिए आप, शिक्षा तो ठीक कर दीजिए। अब आपको जान के अजीबोगरीब लगेगा कि पिछले पांचवां बजट दिया गया है ना, पांचवें बजट में जो हमारा शिक्षा को लेके खर्चा है, बजट का हिस्सा है, वो लगातार कम हुआ है। 2014-15 में 4.14% था जो जीडीपी का होता है। 2015-16 में घट गया, 3.75 हो गया। 2016-17 में और घट गया, 3.65 हो गया। 2017-18 में और घट गया, 3.71 हो गया। इस बार तो अंतरिम बजट है, कोई सफाई के साथ चीजें आई नहीं है, लेकिन जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं वो 3.5% तक आ रहा है। यानी जीडीपी बजट का हिस्सा जो है वो जीडीपी के लिहाज से देखिएगा तो 0.5 से भी कम है, यानी 0.5% से भी कम की स्थिति में आता है। ओवरऑल बजट का हिस्सा 3.5% पर आके अटका है और जीडीपी के हिस्से में शिक्षा को लेकर इस देश की जरूरत सिर्फ 0.5% से कम पर आकर टिक गई है। तो आप क्या कहेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या है, किस बात को लेकर प्राथमिकता है? सिर्फ इतना ही क्यों, हमें लगता है कोई भी योजना, चूंकि हम तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जब बैठते हैं तो हमारे जहन में यह सवाल रहता है कि सरकार जो है वो कौन सा काम कर रही है जिसको लेकर हम लोग पीठ ठोकना शुरू कर दें और यह बताना शुरू कर दें कि जनाब आपने बहुत शानदार काम किया है। मनमोहन सिंह ने 10 बरस में प्रचार किया अपने ऊपर 5,040 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 4 बरस में ही प्रचार कर दिया, 4,805 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये क्यों चल रहा है, देश विज्ञापन के मोड में आ गया है? विज्ञापन के जरिए मीडिया चल रहा है क्या? और मीडिया की जरूरत उस सत्ता पर टिका दी गई है जिससे आने वाले वक्त में हर किसी की जरूरत सत्ता के अनुरूप ही टिका दी जाए, यानी इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे खत्म होते चले जाए। लेकिन अब इसके समानांतर एक और चीज देखिए, देश के वित्त मंत्री इस समय न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं सीबीआई जिस तरीके से रोमांटिसाइज करते हुए खुद को एक्टिविटिज्म के दिशा में बढ़ा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। आईसीआईसी घोटाले के मद्देनजर चंदा कोचर को लेकर पहली बार कहा गया और फिर उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि सरकार के भीतर के अंतर्द्वंद अब उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर इस दिशा में रोमांटिसाइज चीजें की जा रही है, अगर इस दिशा में एक्टिविटिज्म दिखाया जा रहा है इंस्टीट्यूशन को डाइल्यूट करने के नाम पर, तो आपके पास कौन सा इंस्टीट्यूशन बचेगा? या जो इंस्टीट्यूशन कोई निर्णय या कोई हरकत भी करता है अगर, तो उसका मतलब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा, यह बात उठने लगेगी कि अरे ये सत्ता से प्रभावित है। चुनाव आयोग कल कोई निर्णय लेगा, कहा जाएगा ये सत्ता से प्रभावित है क्योंकि आपकी साख खत्म हो गई। सीबीआई को लेकर हो ही गया है, ईडी को लेकर हो ही गया है, इनकम टैक्स को लेकर हो ही गया है, सीवीसी को लेकर हो ही गया है, सीडब्ल्यूजी को लेकर हो ही गया है, तो इंस्टीट्यूशंस कहां बच रहे हैं? और इंस्टीट्यूशंस जब संवैधानिक संस्थान ही नहीं बचेंगे तो उसके मातहत या उसकी निगरानी में जो जो क्षेत्र है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे परिवहन का सेक्टर, कोई सेक्टर ले लीजिए आप, वो सारे सेक्टर ध्वस्त हो जाएंगे। इस दिशा में किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा कि न्यूनतम जरूरत के लिए क्या देश लगातार एक ऐसी परिस्थिति में फंसता चला जा रहा है जहां पर सारी चीजें उस चुनाव से जाकर जोड़ी जा रही है जिस चुनाव के बाद लगता है या तो आजादी मिल जाएगी या दोबारा स्थिति आ गई तो गणतंत्र थे अब तो गुलाम हो जाएंगे। चुनाव का मतलब ये हो गया है क्या? चुनाव तो एक
बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए था। आपने इतना काम किया, जनता को लगा कि हाँ इतना आपने काम कर लिया है, अब हम इसके बाद हमें लगता है कि नहीं इससे ज्यादा तेजी से और अच्छा काम होना चाहिए था, तो एक दूसरी सत्ता आएगी वो करेगी, हमें लगता है नहीं नहीं आप ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ही कंटिन्यू कर जाइए। इस स्थिति में देश है ही नहीं। घोटालों की एक लंबी फेरिस्त है, घपलों की एक लंबी फेरिस्त है, एक दौर में ये उभर आती थी, एक दौर में नहीं उभरती है। लेकिन हैरानी परेशानी, लोगों की जरूरतें जिस तरीके से धीरे धीरे और मुश्किल हालात की तरफ ढकेल रही है, अब आप बताइए पूरे कलकत्ता की सड़कों पर घूमिएगा तो अभी सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे, और पुलिसकर्मी भी तीन स्तर के हैं। कुछ जगहों पर CISF मौजूद है, कुछ जगहों पर CRPF मौजूद है, कुछ जगहों पर कलकत्ता पुलिस मौजूद है। यानी कुछ जगह पर स्टेट पुलिस स्टेट का निर्देशन का पालन कर रही है, कुछ जगह सेंट्रल एजुकेशन जो सिक्योरिटीज हैं वो सेंटर के निर्देशों का पालन कर रही है। कौन चला रहा है, किस रूप में चीजें चल रही है, क्या ये ब्लंडर पे ब्लंडर और होते चले जाएंगे? क्योंकि सत्ता हमें अपने पास रखनी है, और ये ब्लंडर है जिस दिशा में बढ़ गई, और उससे बड़ी स्थिति ये आ गई नाजुक कि हम अब संघीय ढांचे को हम बैक ऑफ करने की स्थिति में आ गए कि हम इसे नहीं मानते, अब हम इसको चीजों को आगे बढ़ेंगे। आपके जहन में जयप्रकाश नारायण आएंगे। जयप्रकाश नारायण ने एक बार इंदिरा गांधी के खिलाफ करते हुए सेना से ऐलान कर दिया था कि अगर आपको लगता है कि आपको जो आदेश दिए जा रहे हैं वो गलत हो तो आप उन आदेशों को ना मानिए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने दुनिया भर में जितनी एम्बेसीज थी उन जगहों पर भेजा कि जयप्रकाश नारायण जो है यह देशद्रोही राजद्रोही बात कर रहे हैं, और सारी एम्बेसीज को अपने अपने तौर पर उसे जारी कर दिया। लेकिन जब चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस सबसे बड़े महात्मा के तौर पर कौन थे? जयप्रकाश नारायण ही थे। यानी चुनाव की जीत हार तय करेगी इस देश के भीतर कौन सही है कौन गलत है। इंस्टीट्यूशंस तय नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तय नहीं करेगा, हमारा सिस्टम तय नहीं करेगा, और हम जिन हालातों में रहेंगे, हमारे से मतलब इस देश के तमाम नागरिकों को लेकर है। गवर्नमेंट के कुछ आंकड़े हैं हमारे पास जो उनकी कुछ सरकार की जो रहती है कि आपने किस रूप में क्या काम किया, हम आपको कैसे आके किस रूप में आके किस तरह से काम किया जा रहा है इसको हम समझें और लोगों को बता पाए। और ये आंकड़े बार बार हमें डराने वाले इसलिए लगते हैं क्योंकि इस देश के भीतर का एक सच तो आप समझ लीजिए, इस देश में ग्रामीण भारत में लगभग 35 करोड़ वर्कर हैं और शहरों में तकरीबन 13.5 करोड़ वर्कर है। दोनों मिला दीजिएगा तो तकरीबन 48.5 करोड़ वर्कर है। ये वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर से मतलब है ना तो ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ना प्राइवेट किसी कंपनी के साथ जुड़कर ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता हो, PF कट जाता हो, या जो भी सुविधाएं होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका सड़क पर है और सियासत सड़क से चल रही है, तो सड़क पर खड़ा तबका सियासत में किस तरफ खड़ा हो इसके सामने उसके सामने एक विकल्प रख दिया गया है कि आप सत्ता में जो इस वक्त है उसके साथ खड़े हैं, या उसको हटाने के लिए जो दूसरी गठबंधन के दौर में सारे नेता हैं उनके साथ खड़े हैं। वो वर्कर देश का 48 करोड़ क्या करे? उसके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। उसे लगता होगा अच्छा 2014 में सत्ता बदली थी तो हमारे साथ ये स्थिति आ गई थी, या उसे अपने तौर पर यह भी महसूस होता होगा जिस राज्य में वो रह रहा है कि यह भी तो करप्ट ही है, क्या किया जाए, दो करप्ट में से एक चुने, या दो ऐसी परिस्थितियां बना दी गई है जहां पर हमें कोई एक परिस्थिति चुननी ही है। लेकिन एक तीसरी विकट स्थिति है, जब लोगों के पास काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, एजुकेशन की स्थिति हमारी बदतर होती चली जाएगी, हेल्थ सर्विस चौपट हो चलेगी, सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा, इंस्टीट्यूशंस धराशायी हो रहे होंगे, तब वो क्या करेगा? चाहे अनचाहे वो सियासत का हिस्सा बनेगा, जो सियासत अब सड़क से शुरू हो चली है। यही है 2019 का काउंटडाउन। मुश्किल यह नहीं है कि योगी का हेलीकॉप्टर बंगाल में नहीं उतर पाया, मुश्किल यह भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते देते कहते हैं हम तख्ता पलट देते हैं, ताज उछाल देते हैं, मुश्किल यह भी नहीं है कि वामपंथी अपनी सत्ता और अपनी सियासत को समझते हुए कहते हैं कि एक ही क्वाइन के दो अलग अलग हिस्से हैं, उधर दादा इधर दीदी, मुश्किल यह भी नहीं है कि एक मुश्किल में आया है तो अब सारा विपक्ष एक साथ उसके साथ खड़ा है, मुश्किल में यह है कि इन्हें आप गिन सकते हैं, एक दल, दो दल, 18 दल, 19 दल, 20 दल, इतना गठबंधन,
लेकिन इस जनता को आप नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि जनता भी अलग थलग खड़ी है, वो हर हाल में अकेली है। यानी करोड़ों की तादाद होने के बावजूद भी वो अपनी जगह पर अकेले, भूखे प्यासे, कातर आंखों से सत्ता को देख रहा है। इस देश का सच तो यही है। और वर्कर्स जो हमारे यहाँ काम करने की दिशा में, जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, उनकी हालत किस रूप में क्या है, उसका एक आंकड़ा सरकारी, एक तरफ तो वर्कर्स हैं, एक दूसरी स्थिति भी है जो गरीबी की रेखा से नीचे है, और इनकी तादाद भी तकरीबन 30 करोड़ है। और इनकी हथेली पर कितनी चवन्नियाँ रेंगती हैं, जो शहर में रहते हैं उनका जो पर दिन का खर्चा है वो 36 रुपये से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, जो 30 करोड़ के बीच में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये है जो बीपीएल परिवार है। यानी एक 100 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में भटक रही है, और उस भटकी हुई स्थिति को लोकतंत्र का रूप मानकर उसके जरिए वोट खींचने के लिए उन्हें डराकर, उन्हें फुसलाकर, उन्हें कुछ सुविधा देकर या उनके साथ खड़े होकर कुछ उनके भावनाओं के साथ जुड़ने की बात कहकर एक परिस्थिति ऐसी बना दी गई है। हमारा बार बार ये आग्रह है कि देश खड़ा जब तब होगा जिस रूप में आपके पास कोई एक सोच, एक विजन इस रूप में निकल कर आएगी कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, और ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसका असर आपके साथ जुड़ा हुआ है, और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल तो कोई जिम्मेदारी ना साफ पानी की लेता है सत्ता में आने के बाद, ना शिक्षा की लेता है, ना हेल्थ की लेता है, ना रोजगार की, सब प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है, और प्राइवेट सेक्टर को लूट की छूट दे दी गई है। आप जितना मन चाहे देश में लूट लीजिए, लेकिन एक हमारे अनुकूल परिस्थिति आप बनाए रखिए। तो फेल होते इंस्टीट्यूशंस के बीच जब सियासत ही हंगामा कर रही है, और सियासत ने अपनी सत्ता का दाव खेला है और सत्ता को भी दाव पर लगा दिया है, इस स्थिति में बंगाल और दिल्ली, कलकत्ता और दिल्ली को क्या इस बात पर अब टिका जाए कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उसको लेके शोर मचाया जाए, उसको लेके हंगामा मचे, या इंस्टीट्यूशंस को एक रूप में काम करना चाहिए और कोई चीज निकले तो पाइप की पानी की तरह वो आखिर में पाइप से निकल जाए, कि स्थिति बननी चाहिए ना। तो ये कैसा काउंटडाउन शुरू हुआ है, जिस काउंटडाउन की शुरुआत भर में अगर इतना हंगामा है तो यकीन जानिए 2019 के चुनाव की तरफ बढ़ते कदम इस देश के भीतर कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसी कैसी लकीर खींचेंगे। क्योंकि सत्ता के, सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर भी बवाल मचा है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मंदिर के पक्ष में नहीं है, खुले तौर पर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं। नितिन गडकरी क्या कहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, सपने मत दिखाइए, लोग पीटेंगे बाद में आपको। नितिन गडकरी जिस वक्त अध्यक्ष थे उस समय उनके यहां छापा पड़ा था, और ये भी हर कोई जानता है कि जब अध्यक्ष थे तो मुंबई से दिल्ली आते आते उनकी कुर्सी चली गई थी अध्यक्ष पद की, छापा किसने डलवाया था, यानी इनके अपने कंट्रडिक्शन। तो एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के अपने कंट्रडिक्शन, दूसरी तरफ विपक्ष के अपने कंट्रडिक्शन, और इन कंट्रडिक्शन के बीच में जनता को तय करना है वो किधर खड़ी है। ऐसी स्थिति देश के भीतर लाकर रखी जा रही है जो और शार्प होगी। चलिए हम फिर जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि 2019 के लोकसभा या आम चुनाव की तरफ बढ़ते कदम की यह शुरुआती आहट भर है, शोर बहुत होगा अभी। बहुत शुक्रिया।